यूरोपीय इंजीनियरों की टीम एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। वे एक ऐसा यात्री विमान बनाना चाहते हैं जो लंबी दूरी की उड़ान कुछ ही घंटों में पूरी कर ले। यूरोपियन रिसर्च प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से ध्वनि की गति से कई गुना तेज यात्री विमान के डिजाइन, पर्यावरण पर असर और आर्थिक व्यवहारिकता के बारे में रिसर्च कर रहा है। आज के विमानों से तेज गति वाले प्लेन का मकसद है यात्रा के समय को घटाना। उदाहरण के लिए लक्ष्य है कि यूरोप से जापान की यात्रा 3 घंटे में हो जाए। इतने तेज विमानों के लिए प्रोपल्सन यानी धक्का देने की नई तकनीक, नया मटेरियल और पूरी तरह से नए डिजाइन की जरूरत होगी, जिसे यूरोप और जापान के इंडस्ट्रियल और रिसर्च साझेदारों ने विकसित किया है। आप कई आकारों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें एक जैसी होंगी, जैसे सटीक एरोडायनामिक डिजाइन, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो खिंचाव बहुत ज्यादा होगा और आपको प्रोपल्शन सिस्टम से इतना तेज धक्का नहीं मिलेगा जो विमान को तेजी से आगे बढ़ाए। वास्तविक आकार के मॉडलों को इस 60 मीटर लंबी सुरंग में रखा गया है। यहाँ पर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि ध्वनि से तेज गति की उड़ान सचमुच मुमकिन हो सके। इस हवा वाली सुरंग में हम असाधारण तेज वायु प्रवाह पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर वापसी जैसी स्थिति। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर विमान की गति में 8 मैक यानी ध्वनि से 8 गुना तेजी लाई जा सकती है। प्रयोग शुरू होने के लिए तैयार है। सटीक उपकरण मिली सेकेंड्स में एरोडायनामिक्स के आंकड़े जमा करेंगे। पारंपरिक विमान की तुलना में आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, केवल समय का पहलू ही अलग होगा। हम एक्सीलरेशन टाइम के बारे में 20-30 मिनट के क्रम में बात कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे आपने ध्वनि की गति को पार किया और बहुत आगे निकल गए। ज्यादातर डिजाइनों में यात्रियों को फ्यूल टैंकों के पास रखा गया है। ये विमान में सबसे ज्यादा जगह घेरने वाला हिस्सा है। ईंधन के विकल्प के तौर पर रिसर्चर लिक्विड हाइड्रोजन पर विचार कर रहे हैं। ये CO2 पैदा नहीं करती और कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है। हमें एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने की जरूरत है जिसे उड़ान भरने से लेकर 5 मैक तक ऑपरेट किया जा सके। ध्वनि से 5 गुना तेजी से उड़ान का मतलब है इंजन के लिए बहुत गर्म संरचना। तापमान को कम करने के लिए बहुत ठंडे ईंधन का इस्तेमाल कर हमने इसका हल निकाला है। दूसरी विंड टनल में रिसर्चर खास सिरेमिक को परख रहे हैं जो अत्यधिक तापमान को सहन कर सके। ये मटेरियल हाइपरसोनिक जहाज के आगे के सिरों की रक्षा करेंगे जो वायु से घर्षण के कारण हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएंगे। हमारी जांच का उद्देश्य है गर्म हिस्से को पतला रखना ताकि गर्मी का असर यात्रियों पर उतना ही कम रहे जितना पारंपरिक उड़ानों में होता है। तो फिर हम कब ऐसी फ्लाइट का टिकट बुक कर पाएंगे? इस तरह का व्यावसायिक जहाज हम 2040 से 2050 तक बनाना चाहते हैं। बाकी सब तकनीकी विकास पर निर्भर करेगा।